बूढ़ी बीवी। कहते हैं पति अच्छा हो तो बीवी का रूप निखर जाता है, लेकिन क्या हो जब जिम्मेदारियों के कारण बीवी दिखने लग जाए बूढ़ी। ये लीजिए आपका बैग। तुम्हें कितनी बार कहा है अपना ये गंदा सा चेहरा मेरे सामने मत लेकर आया करो, अब ऑफिस का पूरा दिन खराब जाएगा। लाओ दो। क्या मैं इतनी गंदी लगती हूँ अब तुम्हें? हाँ, और अब मेरा और टाइम बर्बाद मत करो, जा रहा हूँ मैं। मम्मी मुझे देर हो रही है स्कूल के लिए, मेरा लंच बॉक्स कहाँ रख दिया आपने? अरे बच्चा, मैंने तेरा लंच बॉक्स रख दिया है, लेकिन नाश्ता तो कर ले बेटा। नहीं मम्मी, मैं डाइटिंग पर हूँ और ये ऑयली पराठे खाऊंगा ना तो आप ही की तरह बन जाऊंगा, और मुझे आपकी तरह बिल्कुल नहीं बनना, समझी? लेकिन बेटा, एक पराठा खाने से कोई मोटा नहीं बन जाता। लेकिन रोहित कुछ भी बोले बिना स्कूल चला जाता है। आजकल के बच्चों को अपनी सेहत का कुछ ख्याल ही नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। शाम को खाने के टेबल पर, पापा कल हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है और मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, किस चीज में पार्टिसिपेट किया है? डिबेट में, और मैं चाहता हूँ कि आप भी आओ कल मेरा डिबेट सुनना, मेरे सभी दोस्तों के मम्मी पापा आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप भी आओ। ये भी कोई बोलने की बात है, हम जरूर आएंगे बेटा। मम्मी आप नहीं, सिर्फ पापा। लेकिन बेटा अभी तो तूने कहा कि सभी के मम्मी पापा, तो मैं क्यों नहीं? तेरी माँ हूँ ना मैं। मम्मी मैंने कहा ना आप नहीं आओगी कल, क्योंकि मैं अपना कल का दिन खराब नहीं करना चाहता। आप जानती हो स्पोर्ट्स डे वाले दिन जब मैंने आपको अपने दोस्तों से मिलाया तो सब मुझ पर हंस रहे थे, मैं नहीं चाहता कि कल भी वो मुझ पर हंसे और मेरा मजाक उड़ाए। वो क्यों हंस रहे थे और इससे मेरा क्या लेना देना बेटा? तुम तो ऐसे बोल रही हो कि तुम जानती नहीं कि वो क्यों तुम्हें बुलाना नहीं चाहता। तुम्हारा चेहरा तुमने देखा है? अरे कभी खुद को देखो शीशे में, 40 साल की हो पर तुम्हें देखकर लगता है कि 50 की हो। चेहरे पर ये कालापन, झुर्रिया, बढ़ता वजन, तुम्हें कितनी बार कहा है अपने आप को बाकी औरतों की तरह मेंटेन करके रखो, पर तुमको अपने कामों से फुर्सत मिले तब ना। हाँ मम्मी पापा सही कह रहे हैं, आप मेरे दोस्तों के सामने मम्मी नहीं नानी लगती हो, नानी। मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं ये कहकर कि मेरी मम्मी और नानी एक ही है, 2 in 1। सुमन घर के हालात देखती है कि कैसे काम वाली ना रखकर और दूसरी नौकर चाकर ना रखकर वो पैसे बचाती है, वरना पति की कमाई से घर चलाना कहाँ मुमकिन है, ऊपर से पार्लर का खर्चा। क्या सोच रही हो? वो बोल रहा है ना कि दोस्त मजाक उड़ाते हैं, तो मत जाना। वो चाहे जो भी कहे, लेकिन मैं तेरी माँ हूँ, तू कैसे सोच सकता है मेरे बारे में ऐसा? क्या मेरे ऐसे दिखने की वजह से तू मुझे माँ कहना छोड़ देगा? सुमन को ना पति साथ रखता ना बेटा। ऐसे में जब उसके कॉलेज से रीयूनियन के लिए बुलाया गया तो सुमन ने सोच लिया कि वो तो जाकर रहे। सुमन पहुंच जाती है अपने कॉलेज रीयूनियन की पार्टी में। अरे आज इतने सालों बाद सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, कैसे हो सब? हमारा तो पता नहीं सुमन, पर तुम बहुत बदल गई हो, ये क्या हालत बना ली है अपनी, लग ही नहीं रहा कि तुम वो कॉलेज वाली सुमन हो। मुझे तो लगा सुमन ने अपनी माँ को भेज दिया है पार्टी में। अरे इतनी बूढ़ी क्यों हो गई? बूढ़े होने की क्रीम लगा रही हो क्या? चुप रहना, ऐसा मत बोल, शादी के बाद खुद के लिए कई औरतें वक्त नहीं निकाल पाती। ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसी। ये क्या बात हुई, 2 बच्चों की माँ तो मैं भी हूँ, लेकिन लुक एट मी, स्टिल स्वीट 16 लगती हूँ ना। हाँ ये थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन वैसे लगती तो तुम हॉट ही हो। मैं तुम्हें अपनी एक दोस्त का नंबर देती हूँ, तुम्हें पता है वो बहुत अच्छा मेकअप करती है, तुम उनके पास जाना, वो तुम्हारा भी ऐसा मेकअप कर देंगी कि तुम बहुत सुंदर लगने लगोगी। ऐसी ही बातें चलती रहती है। सुमन शाम को घर आती है। आ गई तुम, चलो कम से कम निकलना तो सीखा, वैसे क्या फील किया सबसे मिलकर? हाँ यही कि तुम लोग ठीक कहते हो, मैं सच में गलत ही हूँ। क्या हुआ पापा, आज मम्मी बहुत ऑफ लग रही है, मम्मी तो पार्टी में गई थी ना, वहाँ कुछ हुआ तो नहीं? खैर दिन बीतते हैं, सुमन उस मेकअप आर्टिस्ट के पास जाती है और, हाँ जी आपकी बाकी सहेली की कॉल आई थी,
मेरे पास आपकी जैसी कई लेडीज आती हैं जो घर की जिम्मेदारी के बीच खुद की शक्ल बर्बाद कर लेती है। मैं सब ठीक कर दूंगी, लेकिन आपको मेरी फीस तो पता है ना। सुमन अपने पर्स को देखती है जहाँ बेटी की फीस के पैसे रखे होते हैं। हाँ ले लीजिए। बस अब क्या था, सुमन का कुछ ही महीनों में कायाकल्प हो जाता है। एक दिन बेटा घबराकर घर आता है। माँ, कल मेरी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है और आप दोनों को स्कूल आना है, और मम्मी। सॉरी बेटा, मैं नहीं आ पाऊंगी। नहीं मम्मी, आपको भी आना है, जरूरी है। अब तो मैं सबके सामने आपको लेकर जाऊंगा, आप कितनी सुंदर हो गई हो। पता है मुझे, तेरी टीचर का कॉल आया था, मैंने मना कर दिया है। लेकिन क्यों मम्मी? क्या हुआ, तुमने मना क्यों किया? अरे जब पगलिया सी लगती थी तो हर जगह जाने को तैयार थी, और अब जब ले जा रहे हैं तो नहीं आना। यार तुम भी ना। सुमन इमोशनल हो जाती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा पति और बेटा मेरी खूबसूरती से मुझे समझे और जाने, ना कि मेरे प्यार और बलिदान से। मम्मी आप ये कैसी बात कर रही हो? क्यों बेटा, तुझे तो शर्म आती थी ना मुझे अपनी माँ कहने में। अब अगर कल मैं तेरी टीचर से मिलने गई तब तुझे शर्म नहीं आएगी? ये क्या बोल रही हो, अगर उसकी टीचर ने बुलाया है तो कुछ जरूरी काम होगा। हाँ, क्योंकि मैंने उसकी फीस नहीं भरी है, वो पैसे मैंने पार्लर वाली को दे दिए, क्योंकि मैं तुम लोगों को बताना चाहती थी कि मैं चाहूं तो क्या नहीं बन सकती। लेकिन मैं नहीं बनती क्योंकि मेरे लिए मेरा घर, मेरा पति, बच्चे ज्यादा मायने रखते हैं। मम्मी आई एम सॉरी, माफ कर दो प्लीज। तुझे तो मेरे साथ खड़े होने में गुस्सा आता था, पर जब तेरे दोस्त तेरे सामने तेरी माँ की बेइज्जती करते तब तुझे गुस्सा नहीं आता। मैंने इतने साल तुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, और तुझे मुझ पर शर्माती है, अपनी माँ पर। ये बोलकर वो रोने लगती है, तभी उसका पति उसका कंधा पकड़ता है। और आप मुझे कहते रहते हैं मैं अपने आप को मेंटेन करके क्यों नहीं रखती। अरे कैसे रखूं? मैं अगर अपने आप को मेंटेन करने लगी ना तो आप लोगों के पीछे दिन रात कौन घूमेगा? बोल बोल कर थक जाए तब रोहित पढ़ने बैठता है, और आप अपना कोई भी सामान खुद से नहीं ढूंढ सकते। ऊपर से ऐसी ऐसी फरमाइश है, पैसे बचा कर घर चलाती रही, इसीलिए खुद पर ध्यान नहीं दे पाई। सुमन की ये बातें सुनकर उसके पति और बच्चे को अपनी गलती का एहसास होता है।